हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर आइकन प्रेप यूट्यूब चैनल। तो आप लोग मेरे से नाराज़ भी होंगे कि बहुत दिनों बाद सर हम लोगों की मुलाकात हो रही है। सर इतने दिन कहाँ गायब हो गए। तो एक्चुअली इतने बिजी शेड्यूल्स थे जिस कारण से हमें टाइम नहीं मिल पा रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब से कोशिश हमारा यही रहेगा कि लगातार आप लोगों को वीडियो मिलता रहे जब तक कि लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज का आपका टॉपिक, मैं जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ओम्स लॉ के बारे में, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे आपको, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे पीडीएफ फाइल के रूप में वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन दिनों के अंतराल में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पर्सनली पूछे, मैं उसे आंसर भी आपका सॉल्व करके भेजा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ स्टूडेंट अभी भी सिंसियर है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह अपनी सिंसियरिटी को बनाए रखें एंड आगे भी अपनी सिंसियरिटी को इम्प्रूव करें। अब से मेरा कोशिश रहेगा हमेशा कि आप लोगों को बहुत हार्डली लेट हो तो आपको वन डे के इंटरवल पर आप लोगों को वीडियो मिले, अदरवाइज़ आप लोगों को रेगुलरली मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज आप लोगों का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ पे हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिरकार रेसिस्टेंस कैसे डेवलप होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, या फिर किसी भी अलॉय में या फिर नॉन कंडक्टर में किस तरह से डेवलप होता है, क्या इसका कॉज होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म भी बताया था आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अब मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपको कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। ठीक है, कोई डाउट है आरिवासन में? यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, आपको यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है आपका। मैं तीनों को अलग अलग कलर में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका रहा, देखिए दिखा देते हैं, ये आपका न्यूट्रल पार्टिकल, ये आपका न्यूट्रल पार्टिकल, इधर आपका ये न्यूट्रल पार्टिकल रहा। ठीक है, इधर आपका ये न्यूट्रल पार्टिकल रहा। अब सोचिए, इतने कंजस्टेड एरिया में मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो देखिए तो कितनी प्रॉब्लम आएंगे इनको, बेचारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा तो ये आपका सबसे टकरा टकरा के आपका क्या होगा, ये इधर मूव करेगा। मान लीजिए आपका इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका इधर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका आपस में टकराएगा, इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराएगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, न्यूट्रल पार्टिकल से टकराएगा। यहाँ पे इसको इसके मोशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोलिजन से होकर के गुजरना पड़ेगा। एंड कोलिजन होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो आपका रेसिस्ट होगा। ठीक है, उसका फ्लो आपका क्या होगा, रेसिस्ट होगा। मीन्स आपका उसका उसमें अपोजिशन डेवलप होगा। ठीक है, एंड इसी अपोजिशन के कारण आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस डेवलप होता है। और एकदम बात समझ में आ रही है ना, रेसिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, उसका कोलिजन होगा न्यूट्रल पार्टिकल के साथ, पॉजिटिव पार्टिकल के साथ एंड इट सेल्फ के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या, ऐसे कोलिजन के कारण आपका उसका फ्लो रेसिस्ट होगा एंड देन आपका रेसिस्टेंस डेवलप होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, इन द कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग विथ कोलिजन्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स कॉमा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यू टू विच अपोजिशन अकर्स इन द मोशन ऑफ
electrons and hence resistances are developed. ठीक है, एंड आपका इस कारण से क्या होता है, रेसिस्टेंस डेवलप होता है. यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन द कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग विथ कोलिजन्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स ड्यू टू विच अपोजिशन अकर्स या अपोजिशन ऑफर्ड लिखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा. अपोजिशन ऑफर्ड इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंड्स रेसिस्टेंस डेवलप्ड. एकदम बात समझ आ रही है ना. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो बताया गया था कि कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है एंड कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका थ्योरेटिकल व्यू देखिए कि कैसे आपका डिपेंड करता है. तो अब सोचिए कि हम लोग लेंथ को इंक्रीज कराएंगे. मान लीजिए लेंथ को इंक्रीज करा दिए हम लोग, देख लीजिए पहले आपका इतना छोटा सा कंडक्टर था. ठीक है, ये आपका इतना बड़ा सा कंडक्टर था. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखिएगा आप लोग, शायद आप लोग को दिख जाए. मैं थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, आपका ये कंडक्टर है. ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है. ये आपका यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया एंड इधर की ओर जाएगा. ठीक है, विद आउट है, ठीक है, चलिए. तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, इधर जाएगा. अब सोचिए इस वायर के लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को एकदम मेंटेन रहने देते हैं, जैसा था उतना ही रहने देते हैं. ठीक है, इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग इंक्रीज़ करा दिए. अब देखिए, सॉरी, एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ को इंक्रीज़ करा दिए. ठीक है, लेंथ को देखिए बढ़ा दिए. अब सोचिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेगा यहाँ से. ठीक है, अब सोचिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पहुँचने में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको रेसिस्टेंस भी, इसको कॉलिजन भी ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक है, कॉलिजन भी, नंबर ऑफ कॉलिजन भी ज़्यादा करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा करना पड़ा, मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाएगा. एकदम बात समझ आ रही है ना, एकदम सिंपल वे है. आप खुद सोचिए, आप भीड़ भड़का में जा रहे हैं. ठीक है, आप छोटे से डिस्टेंस में भीड़ में जा रहे होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलेगा रेसिस्टेंस, लेकिन आपका एकदम लंबा एकदम ट्रैफिक लगा हुआ, बहुत ज़्यादा लंबा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस अफोर्ड होगा. ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हुआ, ज़्यादा रेसिस्टेंस अफोर्ड होगा, मीन्स आपको पहुँचने में एक एंड से, मीन्स ट्रैफिक को क्लियर करके पहुँचने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ भी वही बात हो गया कि आपका वायर का लेंथ आप इंक्रीज़ कराते हैं, वायर का लेंथ इंक्रीज़ कराते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कॉलिजन फेस करना पड़ेगा एंड ज़्यादा कॉलिजन फेस करना पड़ेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा डेवलप होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, एज द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड देन नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड देयरफॉर रेसिस्टेंसेस इंक्रीजेस. ठीक है, रेसिस्टेंस आपका क्या होता है, जिस कारण से आपका इंक्रीज कर जाता है. एकदम बात समझ आ रही है ना. ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपका क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका हम लोग रिलेट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो आपको सब कुछ रिलेशन बता दिया गया था रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेट करते थे, देखिए तो आपको क्या होगा,
वायर का लेंथ हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। ये आपका एक वायर है एंड आपका ये दूसरा वायर है, दोनों का लेंथ मान लीजिए आपका क्या है, सेम है, ठीक है। बट आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर गया, इस केस में आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो देख लीजिए आप खुद सोचिए, आप खुद पे आप रियलाइज़ करके देखिए, आपको ज़्यादा चौड़ा रास्ता मिल जाए एंड आपका पतला रास्ता मिल जाए, तो आपको वहाँ पे कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील करेंगे, ऑब्वियसली एकदम पतला रास्ते में कंजस्टेड फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इतने बड़े क्रॉस सेक्शन एरियाज को मिला तो ये क्या करेगा, इजिली फ्लो कर सकता है, बट यहाँ पे आपको क्या होगा, फ्लो करने में इसको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम यहाँ डीसी करंट की बात कर रहे हैं, एसी करंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एसी करंट आपका सिर्फ और सिर्फ सर्फेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एसी करंट सर्फेस से होकर के फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विथ द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली flowing and so resistance decreases, ठीक है। resistance आपका क्या होता है, decrease होता है, इसलिए आपका resistance होता है वो inversely proportional होता है आपका area of cross section का। कोई doubt है, आपका area of cross section होगा तो electrons बिल्कुल easily flow करेगा, एकदम freely flow करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब temperature की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। temperature पे कैसे depend करता था उसको भी हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर में आपका फिनोमेना अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपका फिनोमेना अलग होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से देख लीजिए क्या होगा, एकदम फिजिक्स को या फिर केमिस्ट्री को या फिर बायो को आप बिल्कुल जब तक प्रैक्टिकली फील करने का कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे भी प्रैक्टिकली फील करने का कोशिश करिए, एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये होता क्या है, एक सेकेंड देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसमें आपका कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होगा जो मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होगा जिसे मैं ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कुछ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, जिसे मैं ब्लू कलर से दिखाया हूं, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए इस तरह का कंडीशन, इस तरह का सिचुएशन है, इसी तरह का सिचुएशन बिल्कुल आपका रहता है कंडक्टर के इंसाइड में, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल इसके पास आपका क्या होगा, सारे एटम्स का, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सबका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, क्या होगा आपका, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सबका क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजिशन पर, ये भी वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजिशन पे, ये भी करेगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब करेंगे वाइब्रेट। तो ऐसे में जो पार्टिकल मान लीजिए ये चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये पार्टिकल आपका मान लीजिए इतना जगह था, तो ये क्या करेगा जी, आपका वाइब्रेट करके आपका लगभग इतना जगह ऑक्यूपाई कर सकता है,
आप एकदम फील कर पा रहे हैं, ये वाइब्रेट करेगा, ये आपका ऐसे है ना, इतना छोटा सा है ना, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, तो मे बी आपका इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा होगा इतना थोड़ा सा दूर से, जो आपका यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल था इससे जो थोड़ा डिस्टेंस से मूव कर रहा होगा, तो ये तो टकरा जाएगा ना जा करके, क्योंकि ये तो अपने पोजिशन पर क्या आपका हिल रहा है, अपने पोजिशन पर हिल रहा है। बात समझ आ रही है, देखिए ना मेरा मेरे हाथ का सरफेस एरिया देखिए ये है, और देखिए इसको हम वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, लगभग इतना दूर का सरफेस एरिया को कवर कर लिया ना, ठीक है, वॉल्यूम को कवर कर लिया, कोई डाउट है तो सॉरी, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं सर क्या कर रहे हैं इसे, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एकदम बिल्कुल सिमिलर यही बात होगा कि जितने भी आपका पार्टिकल्स हैं, जैसा ही टेम्परेचर राइज होगा तो सबका सब अपनी मीन पोजिशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, एंड वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली, चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड हेंस, ये आपका क्या है, इंक्रीजेज है, ठीक है, एंड हेंस कॉलिजन इंक्रीजेज, देयरफॉर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कोई डाउट है, मीन्स आपका जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा तो कॉलिजन इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यही आपका डिपेंडेंसी था लेंथ पे, एरिया क्रॉस सेक्शन पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, एकदम बात समझ आई। चलिए कॉज ऑफ रेसिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। देखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल को। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इन लॉकडाउन में भी सारे टीचर्स मिल करके, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि हम लोग का मेहनत जाया ना जाए। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस। देखिए रेसिस्टेंस को लोग किस किस फॉर्म में हम लोग कंबाइन करेंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइन क्यों करेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस को कंबाइन क्यों करेंगे। तो देखिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास डंबल है, ठीक है, डंबल तो सब समझते होंगे, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि आपको 100 kg वेट चाहिए, ठीक है, 100 kg वेट चाहिए, और आपके पास क्या है कि आपको जो भी वेट वगैरह होगा, ठीक है, तो आपके पास 5 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg का वेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, और आपको 100 kg चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबको एक साथ ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको तो चाहिए 100 kg, ठीक है, आपको मान लीजिए 50 kg चाहिए, और आपके पास वही आपका 5 kg, 2 kg, 10 kg, ठीक है, 20 kg, इस तरह के डंबल्स अवेलेबल हैं या फिर वेट अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको चाहिए 50 kg, तो आप क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। कहने का सेंस हो गया कि आपको जितना चाहिए, आपको जो भी डिजायर्ड अमाउंट में चाहिए, आपके पास छोटे छोटे मास अवेलेबल है, सबको आप ऐड करेंगे, सबको कंबाइन करेंगे, एंड आप जो भी डिजायर्ड आपको अमाउंट में चाहिए आपको वेट, वो आपको मिल जाएगा इजिली, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जितना हमको डिजायर्ड रेसिस्टेंस चाहिए सर्किट में, तो जो भी छोटे बड़े जो भी रेसिस्टेंस होंगे हम लोग उसको इस तरह से कंबाइन करेंगे जिससे कि हम लोग को डिजायर्ड रेसिस्टेंस मिल जाए। तो इसीलिए आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस जो होता है आपका, वो तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन,
एंड थर्ड आपका होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीन तरीके से क्या कर सकते हो रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके टाइप्स होते हैं, लैडर सीरीज पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह के आपका टाइप्स होते हैं सर्किट का। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होता है ना रेसिस्टेंस का, वो आपका तीन टाइप का होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, एंड आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग डील करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड ये कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट जो आपका रेसिस्टेंस मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा इसमें, सबसे पहला हम लोग पॉइंट को डील कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका होता है इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये देखिए क्या होता है आपका। तो हम लोग जो भी कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करते हैं, रेसिस्टेंस को जिस किसी भी तरह से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद जो हम लोग को जो टोटल रिजल्टेंट जो आपका मिलता है, रिजल्टेंट जो आपका रेसिस्टेंस का अमाउंट मिलता है, वही क्या होता है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक और अलग ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए जो भी कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस है वो सब मिलकर के जितना आपको दे रहा है उसके बदले हम लोग एक रेसिस्टेंस को ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, उतना ही रेसिस्टेंस ऑफर कराएगा विदाउट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कम्बिनेशन। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कम्बिनेशन के अक्रॉस में, मीन्स आपको उस टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड उस सर्किट में जो फ्लो कर रहा होगा करंट, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, आपको सेम अमाउंट ऑफ आपको रेसिस्टेंस ऑफर्ड करा रहा होगा, एक सिंगल रेसिस्टेंस, तो वो उसके बदले आपका क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट नहीं बोल सकते हैं, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल रेसिस्टेंस विच ऑफर्स द सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन द सर्किट इन प्लेस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज, सॉरी, सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विदाउट चेंज इन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन when when
placed in place of the combination of resistance. देखिए, it is the magnitude of a single resistance. Single resistance which offers the same value of resistance without change in the current flowing through the circuit and potential difference across the terminals of the combination when placed in place of the combination of resistances. Means आपका क्या होगा कि means क्या होगा कि हम लोग equivalent resistance जो होता है, equivalent resistance that amount of resistance होता है जिसको हम लोग place करेंगे सर्किट में इन प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. ठीक है, इन प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. यहाँ पे याद रखिएगा कि ये इस रेसिस्टेंस को जब हम लोग प्लेस करते हैं तो करंट का अमाउंट सर्किट में नहीं चेंज होगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस में होता है, टर्मिनल के अक्रॉस में होता है, उसको नहीं चेंज करेगा. ठीक है, तो इसलिए आपका ये इस तरह का डेफिनेशन आपके सामने में दिया गया है. ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको हम लोग जनरली अभी जस्ट लिख लीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. इट इज डिनोटेड बाय आर इक्विवेलेंट और आर इफेक्टिव. ठीक है, आर इक्विवेलेंट या फिर आर इफेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया करते हैं. चलिए अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की ओर मूव करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको सबसे पहले कुछ स्पेशल फीचर्स बता देंगे क्योंकि ये फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले स्पेशल फीचर बताते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए, इसका स्पेशल फीचर सबसे पहला नंबर होता है करेंट्स थ्रू द ऑल रेसिस्टेंसेस इज सेम. ठीक है, आपको करंट जो होता है जितना भी रेसिस्टेंस कंबाइंड रहेगा सबके थ्रू जो आपको पास करेगा यहां पे आपका क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पीडी में आपको बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट मीन्स आपका डिफरेंट रेसिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस potential difference across the terminal of the combination is the sum of potential difference across the individual resistances. देखिए example में देखिए आप, देखिए मैंने चार resistance लिया है, इसका रेसिस्टेंस आपका मान लीजिए R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा,
एंड इसका आर फोर होगा, ठीक है। चार डिफरेंट रेसिस्टेंस ले लिए, इसके थ्रू आपका करंट आई होगा, तो सबके थ्रू आपका क्या होगा, आई ही होगा, आपको फर्स्ट पॉइंट ही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, सबके थ्रू आपका क्या होगा, आई होगा। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, दोनों का दोनों सेम है। तो इसके अक्रॉस आपका वी वन होगा, इसके अक्रॉस आपका क्या होगा, वी टू होगा, इसके अक्रॉस आपका क्या होगा, वी थ्री होगा, इसके अक्रॉस आपका क्या होगा, वी फोर होगा, ठीक है। ये आपका सबका सब रेसिस्टेंस, सबका सब पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, आपका बिल्कुल अलग है। ये अलग होगा कब, जब रेसिस्टेंस का अमाउंट अलग होगा, ठीक है। इन सब में रेसिस्टेंस में से कोई भी दो आपका सेम हो गया तो उस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी उस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ए मानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बी मानते हैं, अब सोचिए आपसे बोला जाएगा बी ए माइनस बी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बी ए माइनस बी बी बोला जाएगा तो क्या होगा, सबका सम हो जाएगा, ठीक है। मीन सबका वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर, मीन सबका सबका सम हो जाएगा, जितना भी आपको इस कॉम्बिनेशंस में जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपको दिख रहे हैं रेसिस्टेंस, सबके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, अक्रॉस एनी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली across any resistor is directly proportional to the resistance। यहाँ पे आपका क्या होगा, भी डायरेक्टली बोल सकते हो आपका आर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सबके लिए तो करंट सेम ही है। यहाँ पे आपका क्या होगा, भी इक्वल टू, आप जानते हैं ना भी इक्वल टू क्या जानते हैं आप, भी इक्वल टू आई आर होता है, ऐसा होता है। अब सोचिए यहाँ पे तो सबके लिए तो सेम है, मीन सबका आई इक्वल टू तो कांस्टेंट है, ठीक है। आई इक्वल टू तब का क्या है, यहाँ पे सबके लिए सेम है, तो भी डायरेक्टली उसको टू आर होगा, ठीक है। आप ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है, एकदम 100% बात समझ आ रही है। मीन सबका जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है आर इक्विवेलेंट और आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मीन्स आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आपका होगा वो क्या होगा, जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है उसमें से सबसे बड़ा जो होगा ना उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। आरिवास में सबसे बड़ा जो होगा आपका उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यही आपका पांच इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एंड ठीक है, हम लोग आप जल्दी से हम लोग डिराइव कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए तीन रेसिस्टेंस को हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आपका ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है,
थ्री रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 होगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा V3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, सिंस देखिए इस पॉइंट एंड इस पॉइंट की बात करेंगे, ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इस सेल से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप बी ए माइनस बी बी जो लिखना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एंड आप अभी जस्ट निकाले थे कि किसी भी रेसिस्टेंस के जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो होगा, तो उस कॉम्बिनेशन का जो टर्मिनल के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो आपका क्या होगा, इंडिविजुअल वन जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ए माइनस बी बी को लिख सकते हैं ना, पैसा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या लिख सकते हैं, इसको बी वन को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर वन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, I इंटू आर टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप इसको, I इंटू आई थ्री। निकाल सकते हैं, जितना रेसिस्टेंस, जितना आपका रेसिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एंड इस कैपिटल V को, कैपिटल V को, कैपिटल V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू आर। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस तीनों रेसिस्टेंस के बदले क्या करते हैं कि एक बिगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, बिगर या फिर जो भी रेसिस्टेंस हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस रेसिस्टेंस को लोग प्लेस कर दिया, यही रेसिस्टेंस तो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब यहाँ से देखिए तो सब में आई कॉमन निकल रहा है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आई और आर फोर, ये आपका आई आई कैंसिल हो गया, तो आर इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और बोल सकते हैं फॉर एन, ये बात आपको समझ में आ गई, एकदम सिंपली ऐड कर देंगे, फॉर एन रेसिस्टेंसेस क्या हो जाएगा, तो आर इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन। इस तरह करके आप क्या करेंगे, सम कर देंगे। कोई डाउट है, 100% बात क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ, ठीक है। वहीं पे आपको सीरीज एंड पैरेलल मीन्स आपका वो भी बताया जाएगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बताया जाएगा, ठीक है। एंड आपको उसी क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।